हाँ जी दोस्तों, तो बेसिकली सेक्शन थ्री का ये हमारा लास्ट पार्ट है जिसके अंदर छोटी 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 डेफिनेशन है, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है बट कहीं ना कहीं एक तरीके से कह सकते हो आप वन लाइनर डेफिनेशन टाइप की हैं। तो फटाफट से इसको और कवर अप करते हैं, तब जाके हमारा हम कहेंगे कि सेक्शन थ्री जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। सबसे पहला सेक्शन आता है सेक्शन नंबर थ्री क्लॉज 27, जो कि बात करेगा इम्प्रिजनमेंट की। अब आपने देखा है कि हर एक्ट के अंदर ये वर्ड जरूर होता है, वहां पे पेनल्टी की बात आती है, वहां पे आपका अमाउंट में पेनल्टी होती है और दूसरा टर्म होता है आपका इम्प्रिजनमेंट का, जिसको आप सिंपली समझते हो कि भाई साहब जेल भेज दिया जाएगा, ठीक है ना। अब ये इम्प्रिजनमेंट को डिफाइन जनरल क्लॉज वालों ने भी नहीं किया, मतलब क्या हुआ कि जैसे सभी एक्ट में जो जो कमी थी वो उन्होंने कहा कि भाई साहब आके ढूंढ लेना कहां पे जनरल क्लॉजेज एक्ट में, लेकिन जनरल क्लॉजेज एक्ट में जब वो कोट करने गए तो उन्होंने कहा कि भाई साहब ये तो एक ऐसा डेफिनेशन है जो कि ऑलरेडी मेंशनड है। किसके अंदर मेंशनड है? आईपीसी में मेंशनड है। उसने कहा कि भाई साहब ऐसा करो, इम्प्रिजनमेंट की डेफिनेशन जो होगी ना वो हम तुम्हें और एक रास्ता दिखाते हैं, तुम उसको जाके ढूंढ लेना आईपीसी वाले में से, और जो ये कहेगा वही हम कह रहे हैं, और वही हम कह रहे हैं तो वही तुम अपने में भी अप्लीकेबल कर लेना। तो इसलिए कंपनीज एक्ट में भी अगर इम्प्रिजनमेंट को आपको ढूंढना होगा उसकी मीनिंग को, तो आप जनरल क्लॉज को ना ढूंढते हुए आप सीधा सीधा ढूंढ सकते हो जाके आईपीसी के अंदर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसने भी इसको आगे किसी और के कंधे पे डाल दिया। तो क्या कह रहा है, इम्प्रिजनमेंट शैल मीन इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन एज डिफाइंड इन द इंडियन पेनल कोड 45 ऑफ 1860। तो सिंपल सी बात है, इन्होंने और दूसरे के कंधे पर डाल दिया। इन्होंने कहा भाई साहब हम जो एक्ट बना रहे हैं ना उससे पहले का एक्ट एक्ट बना हुआ है, उसके अंदर इसको ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है, तो हम क्यों दोबारा से डिफाइन करके मेहनत करें, क्यों दोबारा से रिपीटेशन क्रिएट करें। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप वहां से उठा लेना, जो वो कह रहा है वही हम कह रहे हैं, ठीक। अब देख लेते हैं आईपीसी क्या कहता है। तो आईपीसी कहता है सेक्शन 53 के अंदर कि द इम्प्रिजनमेंट टू विच ऑफेंडर्स आर लायबल अंडर दैट कोड आर इम्प्रिजनमेंट विच इज ऑफ टू डिस्क्रिप्शन। मतलब कि भैया जो भी इम्प्रिजनमेंट होगा जो कि कोड के द्वारा लायबल है, मतलब जो भी कोड है जो आपका आईपीसी है इसके अंदर वो लायबल होगा, जो भी ऑफेंडर्स जो कि उसके अगेंस्ट काम करेगा उसके विरुद्ध काम करेगा उन सभी को इम्प्रिजनमेंट होगी। और ये इम्प्रिजनमेंट जो होगी ये दो टाइप की हो सकती है, कौन कौन सी? एक होती है आपकी रिगरस, दैट इज विद हार्ड लेबर, और दूसरी होती है सिंपल, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं आपको ये पता लगा कि इम्प्रिजनमेंट भी है वो दो पार्ट की। अब जब भी हम एक्ट पढ़ते हैं तो आपने देखा है कि एक्ट के अंदर हमें सीधा सीधा लिखा होता है इम्प्रिजनमेंट, ये नहीं लिखा होता है कि रिगरस या फिर सिंपल। तो आप क्या करोगे? तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, ये जो डिसीजन होगा ये लेता है कोर्ट, मतलब ये कोर्ट के ऊपर है, कोर्ट की अपनी डिस्क्रिशन है कि वो जब इम्प्रिजनमेंट सुनाएगा तो वो रिगरस सुनाए या सिंपल सुनाए, वो उसकी दया दृष्टि पर डिपेंड करता है। उसके अंदर कोई आपका एक्ट जो है, जितने भी हमने एक्ट पढ़े हैं वो इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन नहीं देता। सो व्हेन एन एक्ट प्रोवाइड दैट ऑफेंस इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट द कोर्ट मे इन इट्स डिस्क्रिशन मेक द इम्प्रिजनमेंट रिगरस या फिर सिंपल। तो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे आ गया कि वो रिगरस इम्प्रिजनमेंट देना चाहे तो वो भी दे सकता है, डिपेंडिंग अपॉन वही अगेन देखा जाएगा कि क्या फैक्ट्स हैं, क्या सर्कमस्टेंसेस है, उसके बेस पे आपका कोर्ट जो होगा वो डिसीजन देगा, चाहे तो वो रिगरस दे दे चाहे तो वो सिंपल दे दे, ठीक है। चलिए, दिस इज ऑल अबाउट इम्प्रिजनमेंट। नेक्स्ट आता है आपका इंडियन लॉ। इंडियन लॉ का बेसिकली मतलब क्या है? तो सेक्शन नंबर थ्री क्लॉज नंबर 29 बात करता है इंडियन लॉ की। कहा गया इंडियन लॉ शैल मीन एन एक्ट ऑर्डिनेंस रेगुलेशन रूल ऑर्डर बाय लॉ और अदर इंस्ट्रूमेंट विच बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड द फोर्स ऑफ लॉ इन एनी प्रोविंस, मतलब किसी भी प्रांत में, ऑफ द इंडिया और पार्ट देयर ऑफ और देयर आफ्टर हैज बीन फोर्स इन लॉ इन पार्ट ए और पार्ट सी स्टेट और पार्ट देयर ऑफ बट डज नॉट इंक्लूड एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम और एनी अदर ऑर्डर इन काउंसिल रूल और अदर इंस्ट्रूमेंट मेड अंडर सच एक्ट। क्या कह गया ये कह रहा है कि इंडियन लॉ का मतलब क्या है कि अगर मैं यहां पे बात कर रहा है बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान देना बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इससे पहले आपके कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंस होने से पहले जितने भी एक्ट ऑर्डिनेंस रूल्स रूल वगैरह वगैरह थे जो कि कहीं ना कहीं इन फोर्स थे, मतलब एप्लीकेबल होते थे वो लॉ इंडिया के किसी भी कोने पे, इंडिया के किसी भी प्रांत में, तो वो सारा आपका इंडियन लॉ कहलाएगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि इंडिया के किसी भी प्रांत में अगर कोई भी पुराना लॉ है, पुराना लॉ मतलब बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन वाले जो भी लॉ होंगे वो अगर इंडिया के किसी भी प्रांत के ऊपर एप्लीकेबल होते थे, उसके ऊपर लगाए जाते थे, तो वो लॉ आपके इंडियन लॉ कहलाएंगे, ठीक है। कहां कहां पे लगने चाहिए? लगने चाहिए पार्ट ए स्टेट्स, जो कि आपने देखा था, पार्ट सी स्टेट्स और पार्ट देयर ऑफ, मतलब कहीं ना कहीं किसी भी स्टेट में, इंडिया के किसी भी पार्ट के स्टेट में अगर वो एप्लीकेबल रहा है पहले कॉन्स्टिट्यूशन से पहले तो भी वो आपका इंडियन लॉ कहलाएगा। लेकिन किंतु परंतु इसके अंदर आपको क्या इंक्लूड नहीं करना, वो सारे एक्ट जो कि यूनाइटेड किंगडम के पार्लियामेंट के द्वारा बने हैं वो आपका यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, या फिर किसी और ऑर्डर इन काउंसिल या रूल या अदर इंस्ट्रूमेंट मेड अंडर सच एक्ट, मतलब कि यूनाइटेड किंगडम के एक्ट या फिर उसके अलावा किसी भी ऑर्डर काउंसिल रूल के द्वारा अगर बनाया हुआ कोई एक्ट होगा
कोई लॉ होगा, कोई इंस्ट्रूमेंट होगा, कोई रूल होगा, कोई ऑर्डर होगा, कोई रेगुलेशन होगा, तो वो आपका इंडियन लॉ के अंदर कवर नहीं होगा। इन शॉर्ट आप ये समझ सकते हो कि इंडियन लॉ का मतलब क्या है, कि वो सारे लॉ जो कि फोर्स में थे किसी भी प्रोविंस के ऊपर, ठीक है, चाहे वो पार्ट ए का हो चाहे वो पार्ट सी का हो, वो आपका इंडियन लॉ कहलाता है। कब? बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन क्या इंक्लूड नहीं करना आपको? वो सारे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो कि किसके होंगे, आपके यूके के होंगे, या फिर इस टाइप का कोई भी ऑर्डर, काउंसिल, रूल वगैरह वगैरह, इन चीजों को आपको इंक्लूड इसके अंदर नहीं करना है, वो आपके इंडियन लॉ नहीं कहलाते हैं। ठीक है, ये बात कह गया बिफोर कमेंसमेंट। ऑब्वियसली बात है कि जो आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जितने भी लॉ होंगे वो तो सारे इंडियन लॉ होंगे ही, उसको तो बताने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि वो सारे के सारे जो होंगे वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया होगा। ठीक है ना, तो बिफोर कमेंसमेंट में मुद्दा था तो उसको उन्होंने सेग्रीगेट कर दिया। उन्होंने कहा कि बिफोर कमेंसमेंट वाले में आप बांट लो वो सारे एक्ट, वो सारे रूल्स, वो सारे ऑर्डर्स, वो सारे बायलॉज जो कि इंडिया के किसी भी प्रांत के ऊपर लगाया करते थे, लगा करता था, वो सारा का सारा इंडियन लॉ का पार्ट है। उसके अलावा कुछ भी होगा या फिर वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम होगा तो वो आपका इंडियन लॉ के अंदर कवर नहीं होगा। ठीक, तो दिस इज सेक्शन नंबर 3 क्लॉज 29। नेक्स्ट टर्म आता है आपका मंथ। क्या कहता है मंथ? तो मंथ में सिंपली कहा जाता है कि भाई साहब मंथ का मतलब क्या है। तो मंथ में आपको ना ध्यान देना, एक आप देखते होंगे जो आपके हिंदी कैलेंडर होते हैं जिसके अंदर कुछ बात की जाती है, जैसे कि शुक्ल पक्ष, ठीक है ना, इस टाइप के कुछ वर्ड वगैरह होते हैं, तो उस टाइप के मंथ को यहाँ पे काउंट नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मंथ का मतलब क्या है जो कि ब्रिटिश कैलेंडर से उठाया गया है। ब्रिटिश कैलेंडर का मतलब क्या हुआ? ब्रिटिश कैलेंडर का मतलब होता है ऑब्वियसली जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक। तो इस टाइप के टर्मिनोलॉजी को क्या कहा जाता है? मंथ, एज पर सेक्शन नंबर 3 क्लॉज 35। ठीक है, अच्छा, अब इन्होंने मंथ को डिवाइड कर दिया, लेकिन साथ में ये भी बताया कि आप देखो ब्रिटिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग आप मंथ उठाओगे तो वो तो आपका जनवरी फरवरी इस तरीके से चलेगा। हर मंथ के अंदर अलग अलग दिन होंगे, अलग अलग डेज होंगे, किसी में 30 होगा, किसी में 28 होगा, किसी में 31 होगा, तो उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन जहां पे अगर किसी एक्ट में सपोज करो अलग से बता दिया गया कि मंथ का मतलब क्या है, तो ऑब्वियसली बात है उस एक्ट में तो उसकी बात मानी जाएगी ना। अगर कहीं पे मंथ नहीं बताया गया तो उस केस में आपको यहां पे आना है और ब्रिटिश कैलेंडर को उठा लेना है। इसी के एग्जांपल में आपको कहा गया है इनकम टैक्स एक्ट। अब इनकम टैक्स एक्ट का जो सेक्शन नंबर 271(i)(1)(iai) है उसके अंदर बताया गया क्या कि भैया मंथ का मतलब है पीरियड ऑफ 30 डेज। तो सिंपली उन्होंने कहा कि हम नहीं मानते इस मंथ को, हम नहीं मानते ब्रिटिश कैलेंडर को, हम तो कह रहे हैं सेक्शन नंबर 271(i)(a)(i) के अंदर क्या बताया गया कि जो आपका मंथ कहलाएगा वो कहलाएगा पीरियड ऑफ 30 डेज का। मतलब ना हम 29 मानेंगे, ना 28 मानेंगे, ना 31 मानेंगे, हमारे लिए मंथ का मतलब क्या है? 30 दिन। तो 30 दिन को हम मंथ लेके चलेंगे और उसी को हम यूज करेंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इनकम टैक्स एक्ट के इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर आपको जनरल क्लॉज एक्ट के मंथ को यूज नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट आता है मूवेबल प्रॉपर्टी। तो बहुत सिंपल, आपने पढ़ा था इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसी का उल्टा कर दो तो बन जाएगा मूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब कि डेफिनेशन में सिंपली बताया गया सेक्शन नंबर 3 क्लॉज 36 कि मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, वो सारी प्रॉपर्टी जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब सॉरी, जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो तो है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है वो सारी की सारी क्या बन जाएगी आपकी? मूवेबल प्रॉपर्टी। तो दस एनी प्रॉपर्टी विच इज नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी इज मूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया डेट, शेयर, इलेक्ट्रिसिटी आर मूवेबल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट अब आता है आपका ओथ। ओथ इज एज सिमिलर एज एफिडेविट जो आपने पीछे पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो सेक्शन नंबर 3 क्लॉज 37 बताता है आपको क्या कि ओथ शैल इंक्लूड अफॉर्मेशन एंड डिक्लेरेशन इन द केस ऑफ द पर्सन बाय लॉ अलाउड टू अफॉर्म और डिक्लेयर इंस्टेड ऑफ स्वेरिंग। सेम डेफिनेशन, सेम बातें, कुछ अलग नहीं है। आगे आप ये देख भी लोगे कि ये बिल्कुल चीक चीक के कहेगा कि ये दोनों तीनों बातें, एक और आएगा स्वेर, तीनों की मतलब सेम ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट टर्म आता है आपको ऑफेंस। ऑफेंस क्या है? तो ऑफेंस को डिफाइन किया गया सेक्शन नंबर 3 क्लॉज 38 के अंदर। क्या कहा जा रहा है कि कोई भी ऐसा एक्ट या कोई भी ऐसा ओमिशन आपने किया विच इज पनिशेबल इन अंडर एनी लॉ, मतलब किसी भी लॉ के अंदर अगर उस एक्टिविटी को या उस ओमिशन को अगर सजा सुनाई जाती है, पनिशेबल माना जाता है, तो ऑब्वियसली बात है वो एक्टिविटी जो होगी या वो जो ओमिशन होगा वो आपका क्या कहलाएगा? एक तरीके का ऑफेंस। तो सिंपल सी बात है, कुछ खास ऐसा टफ नहीं है। एनी एक्ट और ओमिशन विच इज इफ डन इज पनिशेबल अंडर एनी लॉ, मतलब कोई भी ऐसा एक्ट या कोई ओमिशन जो अगर आपने कर दिया तो पनिशेबल है, तो ऑब्वियसली बात है तो आपने एक प्रकार का ऑफेंस किया है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है आपकी ऑफिशियल गैजेट। ऑफिशियल गैजेट जो है वो डिफाइन किया गया सेक्शन नंबर 3 क्लॉज 39 के अंदर। और ऑफिशियल गैजेट कुछ नहीं होता, एक प्रकार का आपका पब्लिक जर्नल होता है। पब्लिक जर्नल का मतलब क्या हुआ? सर पब्लिक जर्नल का मतलब होता है जहां पे गवर्नमेंट अपने इंफॉर्मेशन वगैरह को पब्लिश करती है ताकि वो लोगों तक पहुंच सके और वो एक तरीके का ऑथेंटिकेट, एग्जैक्ट और एरर फ्री डॉक्यूमेंट माना जाता है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ देखते हैं। कह रहा है ऑफिशियल गैजेट और गैजेट सेल मीन गैजेट ऑफ इंडिया या फिर ऑफिशियल गैजेट ऑफ अ स्टेट, दोनों चीजें इंक्लूड होगी आपके।
ऑफिशियल गैजेट के अंदर ही। तो बेसिकली ये है क्या, ये है आपके एक प्रकार का पब्लिक जर्नल। पब्लिक जर्नल मतलब कि एन ऑथराइज्ड लीगल डॉक्यूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश्ड वीकली बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। मतलब क्या हुआ कि गैजेट ऑफ इंडिया एक प्रकार का पब्लिक जर्नल है जहां पे जो भी ऑथराइज्ड लीगल डॉक्यूमेंट होगा, मतलब जो जो जैसे कि आप देखते हो सर्कुलर आता है, नोटिफिकेशन आते हैं, एक्ट आता है, बजट आता है, इस टाइप की कोई भी गवर्नमेंट के जो भी लीगल डॉक्यूमेंट होंगे उसको यहाँ पे पब्लिश कर दिया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, अब अगर ये पब्लिक जर्नल है तो इसकी क्या खासियत होगी? तो एज अ पब्लिक जर्नल द गैजेट प्रिंट्स ऑफिशियल नोटिस फ्रॉम द गवर्नमेंट, इट इज ऑथेंटिक। मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि भाई साहब इसके अंदर कोई फ्रॉड है, कोई ये नहीं कह सकता इसके अंदर कोई मिसप्रिंट है या ये कहीं से उठाया गया है, कॉपी पेस्ट किया गया, ना, बिल्कुल ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। ऑथेंटिक इन कंटेंट, एक्यूरेट एंड स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डिंग विद द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड डिसीजन, द गैजेट इज प्रिंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस। जो ये आप देखोगे जो भी गैजेट के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट आता है वो जो प्रिंट किया जाता है वो कैसे किया जाता है, प्रिंट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस के द्वारा। ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट, कुछ सिंपल से आप ऐसा सिंपली एक लेमन लैंग्वेज में समझ लो कि भाई साहब गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है, एक पब्लिक जर्नल है जहां पे गवर्नमेंट अलग अलग दस्तावेजों को यहां पे डालती रहती है ताकि पब्लिक उसको यूज कर सके और पब्लिक उसको एक प्रकार का ऑथेंटिक और एक्यूरेट डॉक्यूमेंट मान सके। ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट गैजेट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है आपकी पर्सन। बहुत बार पढ़ा आपने अपने जीवन में, बहुत बार देखा इसको, तो ये कहा गया कि कहीं और अगर डिफाइन नहीं होगा तो आपको ये मानना है। ऑल्दो आप देखोगे इनकम टैक्स में इसको अलग से डिफाइन किया हुआ है, जीएसटी में इसको अलग से डिफाइन किया हुआ है, तो इसलिए जहां पर डिफाइन नहीं किया गया वहां पर आपको यहां से उठा लेना है। कह रहा है क्या, पर्सन सेक्शन 3 क्लॉज 42, पर्सन शैल इंक्लूड क्या क्या, कोई भी कंपनी पर्सन है, कोई भी एसोसिएशन पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हो चाहे ना हो वो भी आपका पर्सन कहलाएगा। बहुत ही सिंपल, आगे बढ़ते हैं। अगला टर्म आता है रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड का मतलब क्या होता है? तो सेक्शन नंबर 3 क्लॉज नंबर 49 बताता है कि कुछ कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जो किसी भी लॉ के अंदर, किसी भी इंडिया के लॉ के अंदर अगर वो रजिस्टर्ड है, नामांकन उसका अगर हो रखा है तो माना जाएगा कि वो रजिस्टर्ड है। मतलब कि रजिस्टर्ड यूज विद रेफरेंस टू अ डॉक्यूमेंट, रजिस्टर्ड को यूज कैसे किया जाएगा, एज अ डॉक्यूमेंट पर्पस के लिए इसको यूज किया जाएगा। और इसका मतलब क्या निकल के आएगा, शैल मीन रजिस्टर्ड इन इंडिया अंडर द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो ऑब्वियस ही बात है कि डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन के लिए, डॉक्यूमेंट के रजिस्ट्रेशन के लिए इंडिया में कोई भी लॉ था और उस लॉ के अंदर अगर आपने डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करा लिया तो माना जाएगा कि वो डॉक्यूमेंट जो है वो एक प्रकार का रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। जैसे आप कह सकते हो कि जो आपका जीएसटी सर्टिफिकेट होता है वो जीएसटी लॉ के अंदर एक प्रकार का रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका रूल। अब कुछ मजाक है यहाँ पे, कुछ कॉन्टिन्यूएशन में मजाक चलेगा, इस मजाक को आपको मेरे साथ साथ सह लेना है, ज्यादा दिमाग इसमें लगाना नहीं है। जैसे कि आप देखोगे रूल, तो रूल का मतलब क्या होता है, तो रूल का मतलब होता है रूल मेड इन एक्सरसाइज ऑफ अ पावर कन्फर्ड बाय एनी एनेक्टमेंट एंड शैल इंक्लूड अ रेगुलेशन मेड एज अ रूल अंडर एनी एनेक्टमेंट। मतलब क्या हुआ कि आपको पता है कि कोई भी इनेक्टमेंट आता है तो उसके अंदर पावर को कन्फर्ड कर दिया जाता है, मतलब पावर को एक तरीके से आप डेलीगेट कर देते हो। मतलब कि एक एक्ट आता है उसके बाद काउंसिल के अंदर कुछ मेंबर्स को या कुछ कमिटीज वगैरह को पावर दे दी जाती है कि अब आप इस एक्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए अलग अलग रूल्स बनाओ, अलग अलग रेगुलेशंस बनाओ जिसको कि पब्लिक एट लार्ज आराम से समझ सके और उसको एक तरीके से अप्लाई करने में उनको मदद मिलेगी। कुछ अगर आपको एक्सप्लेनेशन इसके अंदर एड ऑन करना है तो आप वो भी कर सकते हो। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप देखते हो इनकम टैक्स एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट में सारी बातें नहीं लिखी हुई है, उसके अलावा इनकम टैक्स रूल को रेफर किया जाता है और इनकम टैक्स रूल के अंदर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। सेम आप देखोगे कंपनीज एक्ट के अंदर भी, तो कई सारे कंपनीज एक्ट के रूल्स हैं, आपने हर चैप्टर में देखा है, हर चैप्टर का एक अपना अपना रूल होता है जिसके अंदर उसकी डिटेल प्रोविजंस को बताया जाता है या जो भी चीजें छूट जाती हैं एक्ट के अंदर उसको और एडिशनली एक्सप्लेन किया जाता है। तो कुछ नहीं है, रूल क्या है आपका, मेड इन एक्सरसाइज ऑफ अ पावर कन्फर्ड बाय द एनेक्टमेंट। तो एनेक्टमेंट में ही इसको कन्फर्म किया जाता है, मतलब इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ही कन्फर्म कर दिया जाता है कि ये सारी चीजें जो होगी वो डिस्क्राइब की जाएगी अंडर द रूल्स। और सेम कहते हैं हम रेगुलेशंस को भी, क्योंकि एक तरीके का रूल्स का ही पार्ट है, इनेक्टमेंट का ही पार्ट माना जाता है। नेक्स्ट टर्मोलॉजी आती है आपकी जो कि डिफाइन की गई है सेक्शन नंबर 3 क्लॉज 52 के अंदर। क्या है इसका मतलब, तो यहां बात कर रहा है शेड्यूल की। अब शेड्यूल क्या होता है सर, शेड्यूल आपने देखा है कि कभी भी कोई भी एक्ट होता है ना, तो उस एक्ट के अंदर अगर कोई भी न्यूमेरिकल चीज है, कोई भी न्यूमेरिकल चीज है या कोई भी चार्ट है या फिर कोई भी फॉर्मेट है, फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो शेड्यूल 3 जो आपकी बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। अब शेड्यूल 3 जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है वो कहां दिया गया, वो शेड्यूल के अंदर दिया गया। ऐसे शेड्यूल 2 में भी कुछ है, शेड्यूल 1 में भी कुछ है, शेड्यूल 4 में भी कुछ है। मतलब क्या हुआ कि कोई भी न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन है, कोई चार्ट है, कोई फॉर्मेट है, तो उसको एक्ट के साथ जोड़ दिया जाता है, एक्ट के साथ जोड़ दिया जाता है लास्ट में।
और उसको नाम दे दिया जाता है शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी या शेड्यूल वन, शेड्यूल टू, शेड्यूल थ्री। तो कहीं ना कहीं शेड्यूल ये होता है प्रैक्टिकल सेंस में। अब मीनिंग क्या कहती है इसकी ये देख लेते हैं। तो शेड्यूल शैल मीन अ शेड्यूल टू द एक्ट और रेगुलेशन इन विच द वर्ड अकर्स। तो ऑब्वियस ही बात है जिस एक्ट में उस वर्ड की चर्चा हुई है और उस वर्ड से रिलेटेड शेड्यूल मेंशन कर दिया गया है एट द एंड ऑफ द एक्ट, तो वो आपका शेड्यूल कहलाता है, एज सिंपल एज दैट। सेम फॉर्म में चलेगा आपका सेक्शन, मतलब सेक्शन मीन्स अ सेक्शन ऑफ द एक्ट और रेगुलेशन इन विच वर्ड अकर्स। तो ऑब्वियस ही बात है किसी भी एक्ट और किसी भी रेगुलेशन के अंदर जो वर्ड आया और उस वर्ड को रेफर कर दिया गया अंडर अ सेक्शन, तो वो आपका बेसिकली कहलाता है उसका सेक्शन। नेक्स्ट सेम पैटर्न पे आएगा आपका सबसेक्शन। सबसेक्शन शैल मीन अ सबसेक्शन ऑफ द सेक्शन इन विच द वर्ड अकर। तो सिंपल सी बात है सबसेक्शन किसका पार्ट होगा, वो एक सेक्शन का पार्ट होगा जिस सेक्शन में भी किसी वर्ड को डिफाइन किया गया अंडर अ पर्टिकुलर सबसेक्शन, तो वो आपका कहलाता है एक अकेला सबसेक्शन। ठीक, तो कहीं ना कहीं सिमिलर सी है, रिपीटेशन सी वर्डिंग है, बट यही है डेफिनेशन, कुछ कर नहीं सकते हम इसका, आपको ऐसे ही लर्न करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला टर्म आता है आपका स्वेयर। अब स्वेयर जैसे कि मैंने आपको पीछे कहा था एफिडेविट आया था, ओथ आया था, उसी की एक तरीके का एक सिनोनिम है जो कि आपका नाम है स्वेयर का, और ये बताया भी गया है इसके अंदर साफ साफ। ऑल्दो इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन नंबर 3 क्लॉज 62 के अंदर, कहा जा रहा है क्या, स्वेयर विद इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशन। ग्रामेटिकल वेरिएशन का मतलब वही हो गया आपका एफिडेविट हो गया, ओथ हो गया, एंड कॉग्नेट एक्सप्रेशंस एंड इंक्लूड अफर्मिंग एंड डिक्लेयरिंग इन केस ऑफ द पर्सन बाय लॉ अलाउड टू अफर्म और डिक्लेयर इंस्टेड ऑफ स्वेयरिंग। तो सेम डेफिनेशन निकल के आई है, कुछ भी डिफरेंस इसके अंदर नहीं है। साथ ही में एनोट में बता दी भी दिया गया आपको कि जो ये टर्म है एफिडेविट या ओथ या स्वेयर हैव द सेम मीनिंग इन द एक्ट, मतलब एक्ट के अंदर इनकी मीनिंग अलग नहीं है, बिल्कुल डिट्टो मीनिंग है, बस तीन अलग अलग प्रकार के वर्ड है जो कि अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर यूज किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला टर्म आता है आपका राइटिंग। राइटिंग का मतलब क्या है, तो एक्सप्रेशन रेफरिंग टू राइटिंग शैल बी कंस्ट्रूड एज इंक्लूडिंग रेफरेंस टू प्रिंटिंग, लिथोग्राफी, फोटोग्राफी एंड अदर मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग और रिप्रोड्यूसिंग वर्ड्स इन अ विजिबल फॉर्म। तो काम की चीज का समझ में आया कि भैया किसी भी मोड में अगर आप रिप्रेजेंट या रिप्रोड्यूस कर रहे हो किसको, वर्ड्स को, और वो होना चाहिए आपके विजिबल फॉर्म में, तो वो आपका राइटिंग कहलाता है। ठीक है ना, तो राइटिंग के अंदर क्या क्या चीजें आ गई, आपकी प्रिंटिंग जो है वो भी राइटिंग का पार्ट है, लिथोग्राफी भी है, फोटोग्राफी भी है, और भी कोई मोड हो सकता है जो कि कहीं ना कहीं वर्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर वर्ड्स को रिप्रोड्यूस कर रहा है। ठीक, कैसे, इन अ विजिबल फॉर्म, तो वो आपका कहीं ना कहीं क्या होता है, राइटिंग कहलाता है। तो दिस इज नथिंग बट अ सिंपल डेफिनेशन जो कि सेक्शन नंबर 3 क्लॉज 65 के अंदर डिफाइन किया गया। आप देखते हो कई जगहों पे आपको राइटिंग वर्ड दिखता है कि ये चीज होनी चाहिए, राइटिंग होना चाहिए, आप मेंशन करोगे राइटिंग में करोगे, आप इंटीमेशन दोगे राइटिंग में दोगे, आप सर्कुलर इशू करोगे राइटिंग में करोगे, आप नोटिस दोगे इन राइटिंग दोगे। तो ये राइटिंग वर्ड बहुत जगह यूज होता है, लेकिन उस राइटिंग का मतलब क्या है, तो राइटिंग का मतलब आपका ये निकल के आता है कि आप कहीं ना कहीं वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हो या रिप्रोड्यूस कर रहे हो, चाहे वो प्रिंटिंग में हो, चाहे वो लिथोग्राफी में हो, चाहे वो फोटोग्राफी में हो, बट वो विजिबल होना चाहिए कहीं ना कहीं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट टर्म इज ईयर। अब ईयर आपने देखा, जैसे आपने पीछे देखा था फाइनेंशियल ईयर, वहां पे भी इस ईयर की चर्चा हुई थी और वहां पे भी बताया गया था कि सेक्शन 3 क्लॉज 66 में ईयर को डिफाइन किया गया, और ईयर इज नथिंग एज ईयर विच इज डिस्क्राइब्ड एज पर द ब्रिटिश कैलेंडर, मतलब कि जो ब्रिटिश कैलेंडर के अंदर ईयर माना जाता है वही ईयर है, और जिसको आप सिंपली कहते हो जनवरी टू दिसंबर, मतलब जो कैलेंडर में आप देखते हो वही आपका ईयर कहलाता है, और उसको हम कहते हैं ब्रिटिश कैलेंडर। ठीक है ना, तो अगर कहीं पे भी सिर्फ ईयर वर्ड लिखा हुआ है तो आप उसको फाइनेंशियल ईयर नहीं मानोगे, अपने आप से अज्यूम नहीं करोगे, अकाउंटिंग ईयर नहीं मानोगे, असेसमेंट ईयर नहीं मानोगे, आप प्रीवियस ईयर भी नहीं मानोगे, आप उसको सिंपली ट्रीट करोगे ईयर, विच मींस कैलेंडर ईयर या फिर ब्रिटिश कैलेंडर ईयर। ठीक है, तो ये आपको बता दिया गया सेक्शन नंबर 3 क्लॉज 66 के अंदर। तो दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन एरिया जो कि हमारा सेक्शन 3 आपके मॉड्यूल ने दिया, वो हमने पूरा पूरा कवर कर लिया। हमने कुल मिला के यहां पे 28 डेफिनेशंस को कवर किया है, अगर आपने काउंट किया हो तो, सॉरी काउंट करने की जरूरत नहीं है, यहां पे गिवन है। ठीक है ना, 28 डेफिनेशंस को हमने कवर किया, विच इज आउट ऑफ 67, मतलब हमने सब नहीं कवर किया है, हमने 67 में से 28 को कवर किया है, लेकिन ये 28 आपके टू दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये मॉड्यूल में गिवन था और इस पे आपके एग्जाम में चर्चाएं होने की संभावनाएं पूरी पूरी रहती है, तो इसको हमने वन बाय वन कवर कर लिया बिना किसी को स्किप किए हुए। ठीक, अगले पार्ट में बात करेंगे सेक्शन नंबर 4 एंड 4A की एक साथ, क्योंकि दोनों छोटा सा कंटेंट है, मेरे ख्याल से 7 से 8 मिनट में आराम से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाहता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।